डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास फोर्थ का विवास ऑफ रियल इंग्लिश है, उसका लेसन नंबर 3 किंग शिबी एंड टू बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर 14 में है, आप लोग देखिए। अब हम रीडिंग लगाते हैं, देखेंगे किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स। किंग शिबी और दो चिड़िया की कहानी है। किंग शिबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। किंग शिबी दुनिया भर में और यहाँ तक स्वर्ग में भी वो अपनी काइंडनेस और गुड गवर्नेंस के लिए मशहूर थे। ही मेड श्योर डैट एवरी बींग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस एंड लिव्ड इन पीस। उन्होंने इस चीज को निश्चित बनाया था, इस चीज को श्योर किया था कि उनके किंगडम में हर किसी को जस्टिस इंसाफ मिले और वो अमन से रह सके, शांति से रह सके। वन डे शिवी सॉ इन हिज गार्डन ए वॉन्डेड पिजन फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन ए डिस्पिरेट एफर्ट टू फ्लाई। एक दिन शिवी ने देखा कि उसके गार्डन में एक जख्मी तोता अपने पंख को फरफरा रहा है और वो नाकाम कोशिश कर रहा है उड़ने की। द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज सॉल टू कम्फर्ट इट। किंग ने, बादशाह ने चिड़िया को ग्राउंड से उठाया, जमीन से उठाया और अपने सॉल में लपेट लिया ताकि इसको आराम मिले। द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ ए फाइर्स फाल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापेट। तुरंत ही कुछ ही क्षण में, कुछ ही लम्हे में उसने देखा कि एक फाल्कन, बड़ा सा बाज कहिए, चील कहिए, वो बालकोनी की तरफ से वो उतर रहा है। बादशाह सीबी के पास ही वो आकर के उतरा। सीबी एट वंस रियलाइज्ड हाउ द पिजन वाज वाउंडेड एंड व्हाई इट लुक्ड सो फ्रेटेंड। तो सीबी को, राजा सीबी को ये समझने में देर न लगे कि ये तोता क्यों जख्मी है और वो इतना घबराया ही हुआ क्यों दिख रहा है। द फाल्कन स्पोक इन ए ह्यूमन वॉइस। फाल्कन ने ह्यूमन वॉइस में, इंसान की, मनुष्य की भाषा में, आवाज में कहा, ओ किंग, ए राजा, यू आर नोन एज ए काइंड रूलर लिविंग फॉर द वेल बींग ऑफ योर सब्जेक्ट। ए राजा, आप एक काइंड, दयालु रहमदिल हुक्मरान के तौर पर अपने सब्जेक्ट में, अपने क्षेत्र में आप एक रहमदिल रूलर, एक दयालु बादशाह के तौर पर जाने जाते हैं। बट टू डे यू आर बींग क्रूअल टू मी। लेकिन आज आप मेरे लिए एक जालिम की तरह से बन रहे हैं, आप मेरे लिए क्रूर बन रहे हैं। आई सॉ यू गार्डिंग दैट पिजन विच वॉज माई प्रे। मैं ये देख रहा हूं कि आप उस तोता को बचा रहे हैं जो कि मेरा शिकार है। Why do you snatch my food from me? आप मेरे भोजन को, मेरे खाने को मुझसे क्यों छीन रहे हैं? शिबी replied, शिबी ने जवाब दिया, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, ए पक्षियों के राजा, ए चिड़ियों के राजा, दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड। ये गरीब तोता जो है उसे चोट लगा हुआ है और वो थका हुआ है। इट केम टू माई रिफ्यूजी ट्रस्टिंग, ये मेरे सुरक्षा में आया है, मेरी हिफाजत में आया है, डेट आई वुड सेव इट्स लाइफ, कि मैं इसके लाइफ को, इसके जीवन को, जिंदगी को बचा सकूं। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर, जैसे कि आप नहीं चाहते हैं कि भूख से मरें, दिस लिटिल बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू बी इटन बाई
पेडिटर। इसी तरीके से ये चिड़िया भी किसी दूसरी चिड़िया को खाने वाले, मतलब किसी दूसरी चिड़िया की के जरिए नहीं खाया जाना चाहिए। प्लीज टेल मी इन रिटर्न फॉर दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर यू। आप ऐसा करें कि इसके बदले में कि इस पिजन को न खाएं, इस तोते की लाइफ को लाइफ बख्श दें, इस तोते को छोड़ दें, और इस तोते के लाइफ के जीवन के बदले में आप जो फूड मुझे कहिएगा वो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। द फाल्कन सेड, तब वो बाज ने कहा, फूड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग। तब उसने कहा कि फूड जो है भोजन हर लिविंग थिंग का अपना चॉइस होता है, हर लिविंग थिंग का जो भोजन होता है अपने चॉइस के हिसाब से होता है। विदाउट फूड वी ऑल डाई, और बिना भोजन के, बिना फूड के हम लोग मर जाएंगे। इफ आई डाई, अगर मैं मर गया, माई लिटिल चिल्ड्रेन डेट हैव जस्ट हैज्ड विल नॉट सर्वाइव आइदर। और अगर मैं मर गया तो मेरे छोटे बच्चे जो कि अभी सही तौर से वो सेके नहीं गए हैं, सही तौर से वो बढ़े नहीं हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे। प्लीज डिसाइड, देखिए आगे है, प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ। मतलब आप अब आप ही कृपया करके डिसाइड करें, फैसला करें कि क्या ये सही है कि एक लाइफ को बचाने के लिए कई लाइफ को खत्म किया जाए, क्या एक लाइफ को बचाने के लिए कई लाइफ को खत्म कर दिया जाए, ये सही है। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई। आप इस तोते को बचाने के लिए मेरे पूरे परिवार को मारने के जिम्मेदार बन रहे हैं। इज दिस जस्टिस, क्या ये इंसाफ है। आज हम लोग इतना ही रीडिंग लगाएंगे, एक बार हम लोग रीडिंग लगाते हैं फिर से। देखिए, किंग शिबी एंड द टू बर्ड्स। किंग शिबी वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द हेवन फॉर हिज किंग काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस। He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. One day, Shibi saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in a desperate effort to fly. The king lifted the bird from the ground and wrapped it in his shawl to comfort it. The next moment, he saw a fierce falcon landing on the parapet. Shibi at once realized how the pigeon was wounded and why it looked so frightened. The falcon spoke in a human voice, "O king, you are known as a kind ruler living for the well-being of your subjects. But today you are being cruel to me. I saw you guarding that pigeon which was my prey. Why do you snatch my food from me?" Shibi replied, "O king of birds, this poor pigeon is hurt and tired. It came to my refuge trusting that I would save its life. Just as you do not want to die of hunger, this little bird does not want to be eaten by a predator. Please tell me in return for this pigeon's life what other food I can offer you." The falcon said, "Food is the first choice of every living thing. Without food, we all die. If I die, my little children that have just hatched will not survive either. Please decide if it is right to save one life at the cost of many lives."
टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस। ये आपका रीडिंग है, इसे रीडिंग लगाएंगे और कुछ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग है। जैसे देखिए गवर्नेंस, गवर्नेंस मीन्स रूलिंग ऑफ ए कंट्री, गवर्नेंस मीन्स रूलिंग ऑफ ए कंट्री। जस्टिस, जस्टिस मीन्स फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। डिस्पिरेट, डिस्पिरेट मीन्स होपलेस। फायर्स, फायर्स मीन्स वाइल्ड एंड रेडी टू अटैक। पारापेट, ए लो वॉल अलोंग द एज ऑफ ए बालकोनी। स्नैच, टेक समथिंग क्विकली, ग्रैब। रिफ्यूज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग मीन्स बिलीविंग। प्रीडेटर, प्रीडेटर मीन्स एन एनिमल डैट किल्स एंड इट्स अदर एनिमल्स। सर्वाइव, कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट डेंजर। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग रीडिंग लगाएंगे और कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।